एक जिंदगी और उसमें भी बस एक जवानी और उसके चंद घंटे, और ये क्या करते हुए बिता रहा हूं मैं, पूछोगे नहीं अपने आप से? चलो ठीक है, शुरुआत करने के लिए आपको बहुत मजबूरी थी किसी वजह की, कोई कर्ज था या कोई बात थी, तो आपने शुरुआत करने के लिए कोई आपने साधारण नौकरी ले भी ली, तो भी आप उसमें अटक थोड़ी जाओगे। वो बोलेगा घंटा बीत गया, आप बोलोगे घंटा। जिन कंपनियों में काम करने के लिए एक सामान्य आईटी प्रोफेशनल लालायित रहता है, आतुर रहता है और वहां पर घुसने को नहीं पाता, नौकरी नहीं लगती है, ये उन जगहों की नौकरियां छोड़ छोड़ के संस्था में आए हुए हैं। मैं बेरोजगार युवाओं की तकलीफ समझता हूं, कोई ये ना समझे कि उन पर तंज कस रहा हूं, लेकिन आप देखो ना क्या करते हैं। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न यह है कि अभी रिसेंटली देश के कुछ मशहूर उद्योगपतियों ने ऐसा बोला कि सबको 70 घंटे काम करना चाहिए, 70 आवर्स। सो आप भी कहते हैं कि काम ऐसा चुनो कि घंटे गिनने ना पड़े काम के, तो क्या काम चुनने का यही सही पैमाना है? कोल्हू का बैल देखा है? रेहट का पशु देखा है? 70 क्या 100 घंटे करा लो, बात संख्या की नहीं है ना, बात गुणवत्ता की है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात है। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? फालतू काम 70 नहीं 140 घंटे करो तो भी कुछ नहीं होगा, तेल ज्यादा आ जाएगा। बैल ने 140 घंटे काम किया तो क्या हुआ, तेल ज्यादा आ गया, यही होगा और कुछ नहीं होगा। और जब सही काम करते हो तो घंटों की गिनती वैसे ही भूल जाते हो, याद किसको है? ऐसी ही बातों के लिए ज्ञानी कह गए हैं कि प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। प्रेम मगन जब मन भया, अब तिथि कौन गिने और वार, वार माने दिन, दिन कौन गिने और दिनांक कौन गिने? जब प्रेम होता है तो घंटे नहीं गिने जाते। हमने आज रविवार को रखा क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आसान होता है रविवार को छुट्टी ले लेना। संस्था के लोगों से बात करिएगा और उनसे कहिएगा कि बिल्कुल दिल से ईमानदारी से बता दो, यहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने सालों में किसी इतवार को कभी छुट्टी ली हो। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। इसका मतलब ये नहीं है कि सब में इतनी ईमानदारी है ही कि लगे रहते हैं, बात बस ये है कि एक माहौल बन गया है जो कि शायद कुछ गिने चुने लोगों की ईमानदारी से उठा होगा, पर अब वो एक माहौल बन गया है पूरी संस्था में जिसमें ये बात बहुत अजीब सी लगती है कोई बोले कि आज काम इसलिए नहीं किया कि संडे है। घंटे नहीं गिने जाते। दूसरी ओर अगर काम गलत कर रहे हो तो कितने भी घंटे कर लो, काम गलत है तो गलत ही है, फालतू है तो फालतू ही है। बहुत सीधी सी बात होती है, एक्स एक्सिस होता है और वाई होता है। एक्स एक्सिस पे तुम एक्स इज इक्वल टू 2 पे खड़े हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बराबर 20 पे खड़े हो गए, पर वाई एक्सिस पे थोड़ी चढ़ गए। गलत काम को बार बार करने से और ज्यादा करने से, मल्टीप्लाई करने से वो काम सही थोड़ा ही हो जाता है या हो जाएगा? वो जो एक्स 2 था उसको 2000 बना दो तो भी वाई पे चढ़ जाओगे क्या? संख्या बढ़ाने से डायमेंशन थोड़ा ही बदल जाएगा। फालतू काम तुम 2000 साल तक करते रहो, उससे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं, उससे तुमको 2000 फालतू साल मिल जाएंगे।
और इसका विपरीत ये नहीं है कि जब सही काम करो तो कम घंटे करना पड़ता है, इसका विपरीत यह है कि जब सही काम करो तो उसमें घंटे गिने जाते नहीं। पर घंटे न गिनना एक बात होती है और गिन गिन करके ज्यादा काम करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। अंतर साफ समझो। एक बात यह होती है कि 100 घंटे काम हो गया पर घंटे गिने नहीं, और दूसरी बात यह होती है कि 80 घंटे काम हुआ और एक एक मिनट गिना है। मिनट गिनने का अगर अभी आपको होश है, इसका मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम और समय एक साथ नहीं चलते। किसी ने पूछा, मैंने कहा धक धक और टिक टिक एक साथ नहीं चल सकते। या तो ये धड़केगा या वो तड़पेगा। क्या वो जो दीवार पे टंगा रहता है घड़ियाल, तो इससे हमें याद आते हैं बाबा बुल्ले शाह, घड़ियाली दियो निकालनी, हाँ मेरा पिया घर आया ओ लालनी। जब काम पिया बन जाता है ना तो घड़ियाल फोड़ दिया जाता है। अब कौन घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैण मिलंदी, हाँ पिया घटावे, बार बार घंटा बजाता है। हम समयातीत जाना चाहते हैं, हम काल की धारा से बाहर जाना चाहते हैं और ये बार बार काल का घंटा घड़ियाल बजाता है, कहता है अभी तुम काल में ही हो, काल में ही हो। कुछ समझ में आ रही है बात? बहुत अभागे होते हैं वो लोग जिन्हें वक्त देखकर काम करना पड़ता है, बहुत अभागे। संस्था में भी मैं जब देखता हूं कि कौन है जिसका सितारा चमक रहा है और कौन है जो अभी अभाग की गर्दिश में ही डूबा है, तो मैं यही देख लेता हूं कि यहां पे समय गिनने वाला कौन है। ये जो समय गिन रहा है इससे ज्यादा गर्दिश में जिंदगी किसी की हो सकती है क्या? आप सोचिए, सत्रों में मैं समय गिनना शुरू कर दूं अब क्या होगा? बहुतों को तो आराम हो जाएगा, जल्दी सोने को मिल जाएगा। पर जो बदलाव आ रहा है वो नहीं आएगा फिर। मैं भी बिल्कुल कह सकता हूं कि देखो साहब, समय निर्धारित है, हमारा काम बहुत तयशुदा प्रोफेशनल तरीके से होता है, 10 बजे सत्र शुरू होगा, ठीक 12 बजे खत्म हो जाएगा, नहीं तो अगला दिन लग जाता है। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? पता है मैंने बहुत बार सोचा है करूं, बहुत बार अपने आसपास के 5-7 लोगों को भी मैंने बोला है देखो इतने बजते ही मुझे रोक देना, और फिर जिन्होंने रोका वो सब पीटे गए सत्र के बाद। तो अब मैं बोलता भी हूं, अभी भी आने से पहले मैं लिख के आया हूं एक दो को बोल के, अब और बोल दिया वो रोकने ही नहीं आएंगे। कोशिश कर भी लो तो भी रुका नहीं जाएगा जब सही केंद्र से काम कर रहे हो। कोई बोल भी देगा ना कि यहां तुम्हारा समय समाप्त होता है, कोई बोल भी देगा कि यहां तुम्हारा समय समाप्त होता है, तुम कहोगे अभी जब मेरा प्रेम नहीं समाप्त हुआ तो समय कैसे समाप्त हो गया। वो बोलेगा घंटा बीत गया, आप बोलोगे घंटा। अब घंटे को और क्या जवाब दें? उसका तो नाम ही है घंटा। तू बज, मैं तेरे लिए थोड़ी बजूंगा।
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, और इधर क्या बज रहा है, अनहद बाजा बजे सुहाना। या अनहद बाजा बज रहा है वो वहां टुन 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 घड़ियाल बजा रहा है, उसकी सुने या अनहद की सुने, बोलो। अनहद की, तो हम तो नहीं सुनते। ये सब तो ये जो मुनाफा खोर हैं ये उनके चोचले होते हैं, इतने आवर वर्क वीक, और ये इतने बजे छोड़ देंगे, छोड़ोगे नहीं तो भग जाएंगे, जानवर हैं वो, ऐसे जानवर है जिनको पिंजड़ों से बाहर टहलने देने का वक्त जरूरी होता है, नहीं तो आएंगे नहीं लौट के सुबह। लोग खुश हो जाते हैं उनके काम के घंटे कम करो तो, मैं कहता हूं इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है अगर तुम्हारे प्रेम के घंटे कम कर दिए जाएं। तुम खुश सिर्फ इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारा प्रेम नहीं है, नहीं तो तुम कहते ये सजा दे रहे हो क्या हमें कि हमारे काम के घंटे कम कर रहे हो। ये परिणय है इसकी, आजकल लोगों ने लगा दी है ड्यूटी, इधर देखा करो आचार्य जी को क्या चल रहा है इनका, ये नालायकी करता है, ये मेरे फोन उठा के ले जाता है, बोलता है इनके पास फोन होंगे तो ये सोएंगे नहीं, मैं नहीं सोऊंगा तू तो सोएगा ना, तू सो मैं फोन वापस ले आऊंगा, तुझे पता ही नहीं लगेगा। फिर डर जाता है, बोलता है लाया था मिल नहीं रहा, चोरी तो नहीं हो गया, जवाब क्या दूंगा, कहता हूं डर, जो सोएगा वो डरेगा। काम के साथ हमारा जो रिश्ता है ना बहुत बाजारू है, हम बिकते हैं काम में, हम प्यार नहीं करते, हम काम के बाजार में खुद को बेचने जाते हैं। छी, अवेलेबल फॉर रेंट, वो लिंक्डइन में नहीं लिखा आता, जो बेरोजगार होते हैं वो लिंक्डइन में अपनी फोटो के नीचे आजकल चिपकाते हैं, क्या लिखाते हैं, माल बिकाऊ है। मर्सिनरी, मर्सिनरी, जो भी पैसा दे देगा और जितना पैसा देगा उससे एक मिनट से ज्यादा काम नहीं करेगा अपुन। सी दिस इज व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, दिस इज माय एक्सपीरियंस, दिस इज माय स्किल सेट, नाउ व्हाट यू हैव टू ऑफर। फिर उसमें तोल मोल के बोल, और मामला जब बराबरी पे बैठ गया, आधा सच आधा झूठ, इन्होंने यहां से आधा अपना एक्सपीरियंस फेक बताया होता है, उसने आधा पैकेज फेक बताया होता है, 6 महीने बाद दोनों को पता चल जाता है, तब दूसरी जगह सीवी जाता है। किसी को अपने पैकेज में आज तक वो सब कुछ मिला जो सोचा था, वो बहुत बाद में पता चलता है, ये नाम ही देते हैं ना वो कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट बताई, यही थोड़ी बताया तुम्हें क्या मिल रहा है, उसमें तो ये भी शामिल है कि बहुत महंगी जगह पे बैठे हो और दिन भर बैठे हो, अपने आप को वहां पार्क करके रखते हो, तो पार्किंग चार्जेस क्या है, इतने चौड़े हो, इतनी बड़ी कुर्सी, और दिन भर अपने आप को बंबई की इतनी प्राइम रियल एस्टेट में वहां तुम पार्क करोगे, तो वो भी तो कॉस्ट टू कंपनी है, वो सब उसमें जुड़ा होगा, तब पता नहीं चलता, भाषा ऐसी होती है, पढ़े लिखे हम होते नहीं ज्यादा। क्या बिकाऊ पना है, इससे ज्यादा भली तो वो वेश्याएं होती हैं जो खुलेआम अपने आप को बेचती हैं, वहां ये साफ तो होता है
कि साहब ये रहा शरीर, ये शरीर चाहिए तो इतने दाम दे दो। जिसको हम एक आम प्रोफेशनल कहते हैं वो भी क्या कर रहा होता है, वो अपना ब्रेन बेच रहा होता है, ब्रेन भी तो शरीर ही है। जब आप बोलते हो कि मैं अपनी इंटेलिजेंस अब अपने मालिक के सुपुर्द कर रहा हूं, वो जो भी बोलेगा मेरी इंटेलिजेंस उसका पालन करेगी, वो जो भी काम कराएगा वो मैं अपने ब्रेन से करके दूंगा। ब्रेन से ही करते हो, आत्मा से तो करते नहीं। अब ब्रेन तो शरीर है, वेश्या भी शरीर बेचती है, और जिसको हम एक आम प्रोफेशनल बोलते हैं वो भी तो यही करता है। आप बढ़िया बढ़िया तर्क दे के मेरी बात काट सकते हो, आप जितने तर्क दोगे वो मुझे पहले ही पता है, पर जो मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा विचार करना। क्या हम भी नौकरियों के बाजार में बिकने के लिए ही नहीं खड़े हैं? और ये घंटेबाजी फिर इसीलिए एक मुद्दा बनती है क्योंकि हम बिकते हैं। जब बिकोगे तो वहां तो तोलमोल होगा ना कि कितने घंटे, कितनी प्रोडक्टिविटी। कुल मिला के सारी बात इसकी है कि हमारे पास जीवन में करने को कोई सार्थक कर्म नहीं है। जब कोई सार्थक कर्म नहीं होता तो जो भी हमें सबसे बड़ा बिडर मिलता है, लेनदार, सबसे ऊंची बोली जिसने लगाई होती है, हम उसी के हाथों बिक जाते हैं। और कोई वजह भी नहीं है ना, और कोई क्राइटेरिया भी तो नहीं है। आपको अपने लिए एक जॉब चुननी है, क्या क्राइटेरिया है? आप चाहो भी तो क्या क्राइटेरिया है? तो ले दे के घूम फिर करके बात आई जाती है बस इसी पर कि कहां सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे कब से कम काम करके। ले दे के बात इसी पे तो आ जाती है, और क्या होता है। ये साइकोलॉजी में मोटिवेशन की एक थ्योरी भी होती है, पूरा नाम क्या है देख लीजिएगा, इनपुट आउटपुट थ्योरी बोलते हैं इसको सामान्यतया। वहां पर ये होता है कि इंप्लॉयज का मोटिवेशन हाईएस्ट तब रहता है जब लोएस्ट इनपुट के साथ उनको अपने लिए हाईएस्ट आउटपुट मिलता है। आउटपुट माने सैलरी। ये एक पूरी पूरी थ्योरी है जो पढ़ाई जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इनपुट में क्या आते हैं? घंटे, कितना काम करना पड़ेगा। एक बंदा दूसरे शिकायत कर रहा होगा, यार ये कंपनी बहुत बकवास है, यह कंपनी बहुत बकवास है। क्यों बहुत बकवास है? यार काम बहुत होता है और सैलरी ऐसे ही एवरेज है। तूने शिकायत करी अपनी कंपनी की, कोई तकलीफ नहीं हमें, पर तूने शिकायत इस बात पर नहीं करी कि काम घटिया है। तूने शिकायत इस बात पर बिल्कुल भी नहीं करी है कि काम बहुत घटिया है। तूने शिकायत इस बात पर करी है कि इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं है। काम कम कराते हैं कि ज्यादा कराते हैं? अरे ये तो बताओ काम क्या कराते हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। कर क्या रहे हो, कितने घंटे कर रहे हो, बहुत बाद में पूछेंगे क्या कर रहे हो, इसकी तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था में ये बात कहीं आती ही नहीं है कि वर्क में पर्पस भी होना चाहिए, वर्क में मीनिंग भी होनी चाहिए। वर्क सिर्फ लाइवलीहुड का जरिया नहीं होता, काम जिंदगी होता है। ये कैसे पता चलेगा? गीता से तो कोई लेना ही देना नहीं, तो कौन सिखाएगा कर्मयोग? तो फिर वर्क हमारे लिए सिर्फ क्या रह जाता है? वर्क माने क्या? वर्क एज अ मीन्स टू लाइवलीहुड। मैं बेरोजगार युवाओं की तकलीफ समझता हूं, कोई ये ना समझे कि उन पे तंज कस रहा हूं, लेकिन आप देखो ना क्या करते हैं। 70 फॉर्म उसने एक साथ भर रखे हैं, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक के। उत्तर प्रदेश का लड़का है,
और कश्मीर से तमिलनाडु तक के सारे जितने भी जहां कहीं भी उसकी पात्रता बैठती है सारे भर रखे, और चपरासी से लेके आईएएस तक के भर रखे, और बिजली विभाग से लेके मच्छी विभाग तक के भर रखे। रेड क्रॉस से लेकर के फौज तक के भर रखे हैं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं चूहा हूं, कहीं भी छेद मिले घुस जाऊं बस। मैं जान रहा हूं कि जब आप बेरोजगार होते हो तो आप में बड़ी उस वक्त एक बेचैनी होती है कि किसी तरह कहीं तो नौकरी मिले, पर साहब जीवन की सार्थकता उस बेचैनी से बड़ी चीज होनी चाहिए। चलो ठीक है, शुरुआत करने के लिए आपको बहुत मजबूरी थी किसी वजह की, कोई कर्ज था या कोई बात थी, तो आपने शुरुआत करने के लिए कोई आपने साधारण नौकरी ले भी ली तो भी आप उसमें अटक थोड़ी जाओगे, आप अपने लिए एक सार्थक नौकरी खोजोगे, सार्थक कर्म खोजोगे। ये बात बहुत लोगों को, ज्यादातर लोगों को बहुत अजीब लग रही होगी। देखिए अगर आप बात आपको अजीब लग रही है ना तो आपकी जिंदगियां अजीब हो जानी है। बहुत अजीब जिंदगी होती है जहां आप दिन में काम कर रहे हो तो, और कहीं भी काम करोगे 8-10 घंटे तो करोगे, और आना जाना मिला दो तो 12 घंटे तो लगते ही है काम में, और 12 घंटे काम कर रहे हो और उस काम से कोई दिली नाता नहीं है, कैसे जियोगे? मुंह कैसा हो जाता है देखा है? जब आप एक कुछ घटिया काम कहीं ऐसे कोई नौकरी पकड़ ली है कर रहे हो, 35-40 का होते होते मुंह है तो खरबूज जैसा हो जाता है। एक जगह था वहां चेयरमैन थे, काफी वृद्ध हो गए थे, तो उन्हें, पहले की बात है, उन्हें मुझ पे बड़ा स्नेह सा था, तो मुझसे बोलते थे प्रशांत ये फैकल्टी है ना मेरी, कहा बोले आम देखा है? मैंने कहा आम तो बढ़िया होता है। बोले चुसा हुआ आम देखा है? चुसा हुआ आम ऐसा हो जाता है मुंह। ये जिंदगी में कुछ भी करने का परिणाम है। कहीं कुछ भी कर ले, पैसे ही तो कमाना होता है काम से, तो कुछ भी कर लो। काम पैसा कमाने का जरिया मात्र नहीं होता, काम पूजा होता है, काम प्रेम होता है, काम जीवन होता है। कहिए। यह सिद्धांत हम जब अगर नौकरी नहीं करके बिजनेस भी चुनते हैं तो वहां भी लगाना एकदम, चाहिए। एकदम काम तो काम है। हाँ। काम माने वो सारे घंटे आपके जो आप किसी कर्म में लगा रहे हो, और पूछोगे नहीं अपने आप से वो कर्म मेरा कहां से आ रहा है? ये सवाल क्या छोटा सवाल है? ये मैं कर क्या रहा हूं आखिरकार? और ये मेरी एकमात्र जिंदगी के बहुमूल्य घंटे हैं, एक जिंदगी, और उसमें भी बस एक जवानी और उसके चंद घंटे, और ये क्या करते हुए बिता रहा हूं मैं? पूछोगे नहीं अपने आप से? मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहता हूं कि जैसे मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, गृहस्थ हूं, बच्चे भी हैं, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि जो मैं कर रहा हूं वो सार्थक नहीं है, जिसके कारण सेटिस्फैक्शन होती नहीं है और तनाव रहता है, बढ़ता है तनाव, तो अब मैं ये चेंज करना चाहता हूं, इसको कैसे चूज करो? आइए संस्था ज्वाइन करिए। ये क्या सवाल है? दीपक तले अंधेरा, मतलब पूरे इंडिया में मतलब कुछ नहीं हो गया, यही है। अब क्यों उलझाना बात को, क्यों उलझाना? ये आपके सामने यहां पे सब जो अभी स्किट कर रहे हैं ना, ये संस्था की आईटी टीम है, आधे इसमें से आईआईटी से हैं। जिन कंपनियों में काम करने के लिए एक सामान्य आईटी प्रोफेशनल लालायित रहता है, आतुर रहता है और वहां पर घुसने को नहीं पाता, नौकरी नहीं लगती है, ये उन जगहों की नौकरियां छोड़ छोड़ के संस्था में आए हुए हैं, तभी वो आपकी ऐप बनी है जिस पर आप वो सब कुछ देख पाते हो, लिख पाते हो।
और अगर संस्था में आए हैं तो संस्था में आने की कीमत भी चुकाइए। जितना अन्य जगहों पर पैसा बनाते हैं उससे बहुत कम संस्था में पाते हैं, तो आइए स्वागत है। ये कोई पूछने वाली बात है? आईटी प्रोफेशनल नहीं हो आप, आईटी स्किल है आपके पास और इंसान हो आप। बस एक स्किल है, कुछ ज्ञान है, वो ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन आप उस ज्ञान, उस स्किल, उस कौशल से पहले एक इंसान हो, और इंसान होने के नाते आपका धर्म है अपना जीवन सार्थक करना। जीवन सार्थक करने का मतलब है कि अगर मेरे पास कुछ ज्ञान है, गुण है, कौशल है, तो मैं उसको सही जगह पर लगाऊं ना। एक आईटी प्रोफेशनल हो और कोड लिख रहे हो किसी बूचड़ खाने का, और क्या बूचड़ खानों के लिए कोड नहीं लिखे जाते? स्लॉटर हाउसेस तो जबरदस्त तरीके से ऑटोमेटेड होते हैं, वहां तो सब कुछ ही चल रहा है कंप्यूटराइज्ड। और ये जितने वेपन सिस्टम्स होते हैं दुनिया भर में, क्या ये बिना आईटी के चल रहे हैं? तो आईटी के बंदे हो तो वेपन सिस्टम्स का कोड लिखने से अच्छा, मुनाफाखोरों का कोड लिखने से अच्छा, स्लॉटर हाउसेस का कोड लिखने से अच्छा आओ ना संस्था में कोडिंग करो। धन्यवाद जी। मैं कहता सब
सतगुरु धारा निर्मल बाहे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बा में काया धोही रे, बा में काया धोही रे, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे, कहा न मानत कोई रे, तू तो रंगी फिरे बिहंगी, तू तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धन डारा खोही रे, सब धन डारा खोही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होए रे, तेरा मेरा मन सतगुरु धारा निर्मल बाहे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बा में काया धोही रे, बा में काया धोही रे, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा हो ही रे, तब ही वैसा हो ही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदनम, पार्थो वस सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उपनिषद रूपी गाय से गीता रूपी दुग्ध का जो दोहन करते हैं वो श्री कृष्ण हैं, और उसका पान अर्जुन करता है, और उसके बाद सारे ज्ञानी सुधी जन करते हैं। तो आज यहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो सब अर्जुन थे, और हम सब जानते हैं कि आचार्य जी ने कहा है कि जो भी बोध का ज्ञान करा दे वही कृष्ण है, तो हमारे कृष्ण वही थे। तो आज मेरा नाम पूर्वी नागर है,
और मैं इंदौर से आई हूँ। 2020 से मैं आचार्य जी को सुनती रही हूँ। जब मैं उनको सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे सामने आईना रख दिया है और मेरे मन में जो भाव थे, जो बातें थी, वो कोई मुझे सुना रहा है सामने से। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा मेरी बचपन से रही है, मुझे भी नहीं पता कब से, लेकिन कभी भी वो ज्ञान उतना सही रूप में, सटीक रूप में सामने नहीं आ पाता था। कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह जाती थी कि कुछ तो कमी है। लेकिन जब से आचार्य जी को सुना, हर एक चीज़ धीरे 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 आईने की तरह साफ होने लगी और जो ज्ञान अंदर था उसको मैं अपने वास्तविक जीवन में उतारने लगी हूँ। पहले समझ तो आता था लेकिन उसे रियल लाइफ में कैसे लाना है ये नहीं समझ आता था। लेकिन अब वो बातें, ऐसा लगता है कि जो गीता में लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने की कला है और हमें कैसे जीना है हमें धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वो मैं करने में अभी सक्षम हुई हूँ, पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत हद तक मेरे जीवन में गीता के संदेश दिखने लगे हैं। अब मैं लोगों को साक्षी भाव से देखती हूँ, मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे साथ क्या घट रहा है, मैं देखती हूँ कि लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और पता चलता है कि हम कितने अज्ञान में जी रहे हैं और उसी में हम बहुत आनंद लेते रहते हैं। जैसे मेरी मदर का मैं उदाहरण दूंगी, वो पता नहीं बचपन से ही गीता, एक गीता गजल करके आती है, वो सुनती हैं और वो गाती थी नहाते समय, हम सुनते थे, हमें भी याद रहती थी। और वो बहुत सारे पढ़ती है, सुंदरकांड पढ़ती है, गीता पढ़ती है, सब पढ़ती है। जब से मैं गीता आचार्य जी की सुनने लगी हूँ तो मैं घर जाके उनसे पूछती हूँ, मम्मी इसमें क्या लिखा है, तो वो घबरा जाती है। अब जब मैं उनसे उत्तर करती, प्रश्न करती हूँ, तो अब जब वो पढ़ती है ना तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ती है, उसके मीनिंग के साथ पढ़ती है। और जब मैं उनसे प्रश्नोत्तरी करती हूँ तो वो बकायदा उसका जवाब देने की कोशिश करती है। तो बस यही चाहती हूँ कि अब जो ज्ञान मेरे अंदर जागृत हुआ है मैं कोशिश करूँ कि उसे दूर तक फैला सकूँ, क्योंकि ज्ञान अगर थक दिया जाए तो वापिस उस पर धूल जमने लगती है। धन्यवाद आचार्य जी का। और यहाँ आके मैंने देखा कि हम सिर्फ आचार्य जी को देखते हैं लेकिन यहाँ इतनी सारे लोग हैं जो उसके पीछे काम कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद।